किसान भाइयों, आज इस वीडियो में बताएंगे ज्वार की कौन कौन सी किस्म है और ये किन इलाकों में काश्त की जाती है और कौन सी ज़मीन का इंतखाब करके काश्त की जाए। वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है एग्रीकल्चर इन्फो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मालूमती वीडियो आप तक पहुँच सके। ज्वार गर्मियों का एक अहम चारा है जिसे जानवर शौक से खाते हैं। अगर इकसाम देखें तो इकसाम में सबसे पहले JS 2002, JS 263, चकवाल ज्वार और चकवाल 2011 और देसी ज्वार चारे की ज्यादा पैदावार सलाहियत के हामिल इकसाम है। काश्त के इलाके देखे जाएं तो पंजाब की आब हवा इस फसल के लिए बहुत मौजूद है। ज्वार चूंकि गर्मी और पानी की कमी बर्दाश्त कर लेती है, इसलिए पंजाब और सिंध अक्सर इलाकों में कामयाबी से काश्त की जाती है। अगर इंडियन इलाके देखे जाए तो सबसे मौजूद इलाका उनका इंडियन पंजाब है, जहाँ बहुत ज्यादा मकदार में काश्त की जाती है। अगर ज़मीन का इंतखाब और तैयारी को देखा जाए तो ज्वार हल्की कलर उठी ज़मीन पर भी काश्त की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा पैदावार लेने के लिए भारी मेरा ज़मीन यानी पक्की ज़मीन जहाँ पानी का निकास अच्छा हो बेहतरीन होती है। काश्त से पहले अगर गोबर डाल लिया जाए तो बेहतरीन है। ज्वार के चारे वाली फसल के लिए बावक बजाई अगर गोबर ना डाल के किया गया हो तो 2 बोरी नाइट्रोफास या 1 बोरी DAP फी एकड़ काश्त के वक्त इस्तेमाल करें। तहम अगर बीज के लिए काश्त कर रहे हैं तो 7 आधी बोरी पोटाश का भी इजाफा कर लें। ज़मीन की तैयारी के लिए हल चलाकर बीज का छट्टा दिया जाए, फिर एक बार हल चलाकर दूसरी बार सुहागा फेर दिया जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।